क्योंकि परमेश्वर उनको चाहता था और परमेश्वर ने उनके पक्ष में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया। तो आज आपके बेटे बेटियां प्रभु हर एक एडिक्शन से छूटने पाए पिता, हर एक बंधन से छूटने पाए प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में, और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता 44 और उसके 3 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि वह ना तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और ना अपनी बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ, तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि तू उनको चाहता था इसलिए वे लोग उस देश के अधिकारी हुए। किन के बारे में यहाँ पे बातचीत हो रही है? यहाँ पे बातचीत हो रही है इसराइलियों के बारे में। हे मेरे परमेश्वर, तू उनको चाहता था तो इसलिए तूने उन्हें चुना और तूने उन्हें कनान देश पहुंचाया। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं कि प्रभु तूने उनका पक्ष लिया इसीलिए वो कनान देश पहुंचे। भजनकार कहते हैं कि नवे अपने बल से, नवे अपने सामर्थ्य से, नवे अपनी तलवारों से इस देश के अधिकारी हुए, बल्कि वे लोग तो तेरे हाथ के कारण, तेरे दाहिने हाथ के कारण, तेरे प्रसन्न मुख के कारण इस देश के अधिकारी हुए। यानी कि इसराइली कनान देश के अधिकारी इसलिए नहीं हुए कि वे लोग बलशाली थे या फिर वो युद्ध में निपुण थे या फिर वो बहुत ज्यादा थे, नहीं, वे इसलिए हुए क्योंकि परमेश्वर उनको चाहता था और परमेश्वर ने उनके पक्ष में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया। यानी कि परमेश्वर ने उनका पक्ष लिया, परमेश्वर की कृपा दृष्टि उन पर थी, इसीलिए वे लोग कनान के अधिकारी हुए। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उन पर थी, इसीलिए परमेश्वर उनका पक्षधर हुआ, इसीलिए वे लोग वहां के अधिकारी हुए। परमेश्वर उनकी ओर से लड़ा, इसीलिए वे उस देश के अधिकारी हुए। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं कि परमेश्वर ने उनकी तरफदारी की, इसराइलियों की तरफदारी की, तभी वे लोग कनान देश के अधिकारी हुए। नहीं तो वो अपनी बल शक्ति से कभी भी कनान देश तक नहीं पहुंच पाते, वे हमेशा उसी गुलामी के जीवन को व्यतीत करते रहते। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपको भी चाहता है, परमेश्वर आपका भी पक्षधर है, परमेश्वर आपकी भी तरफदारी करता है, परमेश्वर आपकी ओर से भी है। तो परमेश्वर आपको भी ठीक इनकी तरह ही अधिकारी बनाएगा, आपको आपके जीवन में सफल करे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है। अब भजनकार कहते हैं कि यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है? कोई नहीं। यदि परमेश्वर हमारा पक्षधर है तो कौन हमारे सामने टिक सकता है? कोई नहीं। यदि परमेश्वर ने हमें आशीष दे दी तो फिर कौन हमें श्राप दे सकता है? कोई भी नहीं। इसीलिए आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर आपकी ओर है, परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है, परमेश्वर आपको चाहता है, परमेश्वर आपका पक्षधर है और परमेश्वर की कृपा दृष्टि आपके ऊपर है, उसकी नजरें आप पर लगी हुई हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको चाहता है, क्योंकि वो उसने आपको चुना है, क्योंकि उसने आपको बुलाया है, इस पूरे संसार में उसे भाया कि वो आप पर अपने मन को लगाए, आपको चुने, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, क्योंकि वो आपको चाहता है, उसका अनुग्रह आप पर है। दोस्तों, इसलिए हो सकता है आप इस समय अपने जीवन में विपरीत समय से होकर गुजर रहे हो, कठिन समयों से होकर गुजर रहे हो। ऐसे समय में आप इस बात को याद रखें कि प्रभु मुझे चाहता है, उसकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी हुई है, उसका अनुग्रह मुझ पर है, वो मेरी तरफ से है, वो मेरी ओर है, मेरा पक्षधर है। और जब आप इस प्रकार का विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करते हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर ने इसराइलियों को मिस्र देश से छुड़ाया और उन्हें कनान देश, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वहां तक लेके गया, अपनी योजना को उनके जीवन में परमेश्वर ने पूरा किया। उस योजना को पूरा करने में इसराइलियों का कोई हाथ नहीं, बल्कि परमेश्वर का पूरा पूरा अपना दाहिना हाथ, सामर्थी हाथ है। इसराइली तो अविश्वासी रहे, परंतु परमेश्वर उनके लिए हमेशा विश्वास योग्य रहा और परमेश्वर ने उन्हें चुना और उस देश का अधिकारी बना दिया। उसी प्रकार से परमेश्वर ने आपको भी चुना है और उस देश का परमेश्वर आपको भी अधिकारी बनाएगा। किस देश का?
जिस देश को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है, उस देश का अधिकारी प्रभु आपको बनाएगा और इस धरती पर भी परमेश्वर आपको उच्च पदों पर नियुक्त करेगा, आपको सफल करेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। मेरा नाम पुष्पा है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरी गवाही है कि बीते दिनों हम दूसरी जगह पर आए थे। मेरा बेटा है 3 साल का, उसका तबीयत ख़राब था। वो बिल्कुल भी खेलता नहीं था, कुछ भी खाता नहीं था, सुस्त था। उसको बहुत खांसी आ रही थी। फिर मैंने प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रेयर कराई थी उसके लिए। अब मेरा बेटा एकदम स्वस्थ भला चंगा है, अच्छे से खाता है, खेलता है। इसके लिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही एक बार फिर मैं सिस्टर अमृता और ब्रदर पीके की कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिनके प्रार्थना में मैं शामिल होती हूँ। तब से हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है। इस गवाही से आप सबों को प्रभु आशीष दे, आमीन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर अपने विषयों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, अपने जीवन के उन प्रॉब्लम्स के लिए जिसके लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चिंतित हैं, उस बात के लिए प्रार्थना करें। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए। प्यारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। सच में प्रभु जी, तो हमारा पिता है प्रभु जी, तो हमारा दोस्त है पिता, तो हमारा हम सफर है, तो तेजस्वी राजा है, अविनाशी ईश्वर है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा, हम तेरी तारीफ करते हैं तेरे गुणों के अनुसार प्रभु। तू प्रेमी, दयालु, दया करने वाला परमेश्वर है पिता, हमारी ओर है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू जयवंत परमेश्वर है मेरे खुदा। हम धन्यवाद करते प्रभु आज की शाम में आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी, अपने आप को शून्य करते हैं, अपने आप को छोटा करते हैं पिता। आपके हुजूरी में आकर प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरे निकट बैठे प्रभु, तेरे चरणों के समीप पिता, तुझसे विनती करने, तुझसे बातचीत करने, अपने मन की बातों को आपसे शेयर करने के लिए प्रभु जी हम आपके नजदीक बैठे हैं पिता। लॉर्ड, मैं विनती करती हूँ जितने भी भाई बहन, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग यीशु मसीह इस प्रार्थना में शामिल है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, मेरे प्यारे प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आप इन्हें आशीष दें, आप इनके जीवन में कार्य करें। लॉर्ड फादर प्रभु, जब ये भूख और प्यास के साथ में प्रभु आपके सम्मुख बैठे यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता, आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। ये आपके लोग हैं, आपके चुने हुए, आपकी पवित्र प्रजा है जिन्हें तूने बुलाया है और जिन्हें प्रभु तूने चुना है परमेश्वर पिता, जिनको पिता परमेश्वर तूने छुड़ाया है प्रभु, जिनसे तूने प्रेम किया है प्रभु, तेरी पवित्र प्रजा है प्रभु। अपनी प्रजा पर अपना अनुग्रह, अपनी दृष्टि, अपनी दया सदा के लिए बनाए रखे प्रभु। आज की शाम में प्रभु जी, यदि हमसे दिन भर में कोई भी गुनाह, गलती हमारे द्वारा हुई है पिता, कोई भी अपराध, कोई भी पाप, कोई भी ऐसी गलती जो आपको नहीं भाती है प्रभु, यीशु मसीह आप हमें माफ करें, हमारे गुनाहों को क्षमा करें पिता, और होने दीजिए परमेश्वर प्रभु कि हम कभी भी उन गलत बातों को अपने जीवन में ना दोहराएं मेरे परमेश्वर, वरन परमेश्वर प्रभु जी हम एक अच्छा जीवन लेकर प्रभु तेरे निकट आए प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरे समीप आए, तुझसे अपने मन की बातों को शेयर करें और प्रभु तुझसे कनेक्ट होने पाए। लॉर्ड, समय आपके बेटे बेटियां आपके संगति में बैठे हैं। धन्यवाद, आपने जो वचन आज की शाम में हमसे बातचीत किया प्रभु, उसके द्वारा प्रभु जी आप अपने लोगों को ब्लेस करें परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने अपने प्रभु जी बलवंत भुजाओं से प्रभु इन्हें हर एक दुष्ट से, हर एक बंधनों से, हर एक पाप में जीवन से छुड़ाया है प्रभु, क्योंकि आप इनके पिता हैं, क्योंकि आप इनके परमेश्वर हैं प्रभु, आपने इन्हें छुटकारा दिया है। इस समय परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु आपके बेटे बेटियों के लिए परमेश्वर प्रभु, कि आप उनके जीवन में कार्य करें मेरे परमेश्वर पिता। आप पिता परमेश्वर इन्हें आगे बढ़ाएं पिता, आप इन्हें सफल करें परमेश्वर, क्योंकि ये खुद से ये नहीं कर सकते, वरन जब तू इनकी ओर है तो ये सब कुछ कर सकते हैं मेरे परमेश्वर। यदि आज ये अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में असफल हैं, यीशु मसीह उस जीवन के क्षेत्र में आप उन्हें सफल करें। यदि जॉब में मेरे परमेश्वर परिवार को मैनेज करने में या फिर किसी भी
बात में परमेश्वर असफल है। पिता आपसे प्रार्थना है कि आप इनकी ओर हैं, आप इन्हें सफल करें परमेश्वर पिता। विनती करते प्रभु यदि आज की शाम में इनके परिवारों में इनके जीवनों में कोई भी संकट, कोई भी मुसीबत, कोई भी विपत्तियां हैं, पिता आप इनकी ओर हैं, आप इन सारी प्रॉब्लम से उन्हें बाहर निकालें। यदि आज ये बंधनों में है पिता, नाना प्रकार के दुष्ट आत्मा के काम इनके जीवन में है जिसके कारण प्रभु ये बहुत ज्यादा निराश है, हताश है, बंधनों में है पिता, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर एक बंधन, हर एक बातें यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु। पूर्ण रीति से छुटकारा इनके परिवार में, इनके जीवनों में आने पाए, हर एक दुष्ट के काम नष्ट हो जाए, क्योंकि प्रभु तू इनकी ओर है, तू अपने भुजा बल से परमेश्वर इन्हें छुड़ा। मेरे खुदावंद यीशु मसीह धन्यवाद प्रभु, आज आपके बेटे बेटियां प्रभु हर एक एडिक्शन से छूटने पाए पिता, हर एक बंधन से छूटने पाए प्रभु, हर एक रॉन्ग रिलेशनशिप से, हर एक बुरी संगति से छूटने पाए परमेश्वर, और सही मार्ग पर आप उन्हें चलाएं, आप उनके जीवन को बदल दे मेरे प्रभु। बहुत से भाई बहन है जो इस समय पिता परमेश्वर अपने परिजनों के जीवन को बदलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जिस किसी के जीवन परिवर्तन के लिए आज ये प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। पिता जब आप इनके ओर हैं तो आप उनके जीवन में परिवर्तन को लाइए परमेश्वर, ताकि एक बड़ा परिवर्तन उन्हें नजर आए और एक बड़ी गवाही खड़ी होने पाए पिता। प्रार्थना है परमेश्वर प्रभु इस समय प्रभु जी, बहुत से लोग हैं जो कर्जे में है पिता, यीशु मसीह आप इनकी ओर हैं, आप इन्हें कर्ज मुक्त करें परमेश्वर पिता, क्योंकि ये खुद से नहीं छुड़ाए गए प्रभु, इन्हें तूने छुड़ाया है पिता। इनके कर्जों से भी आप इन्हें छुड़ाएं, इनकी गरीबी से आप इन्हें बाहर निकालें, इनके हर एक समस्याओं से इन्हें बाहर निकालें। जो भी अपने जीवन में प्रभु जी बहुत संघर्ष कर रहे, बहुत स्ट्रगल कर रहे प्रभु, ऐसे समय में आप इनके साथ साथ होइए और इन्हें आशीषों के देश में पहुंचाएं, जैसे कि इसराइलियों के संग में आप हुए प्रभु। वो खुद से नहीं छुड़ाए गए, वरन वो तेरे भुजा बल के द्वारा छुड़ाए गए प्रभु, और तेरी अपार दया जो उन पर थी प्रभु, जो प्रेम आप उनसे रखते थे, जो प्रभु आप उन्हें चाहते थे, और आपने ऐसा किया प्रभु। हाँ प्रभु, उसी प्रकार प्रभु आप इन भाई बहनों को प्रभु, इनके परिवार को, इनके बच्चों को चाहते हैं, क्योंकि आपने इन्हें चुना है परमेश्वर। धन्यवाद आज के दिन में, आज के शाम में मेरे परमेश्वर इनकी सारी समस्या, सारी प्रॉब्लम्स, सारी जो इनके जीवन की रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं। इस समय प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जब आपके बेटे बेटी बुरे सपने देखते हैं प्रभु, बुरे विचार उनको आते हैं प्रभु, सुसाइड अटेम्प्ट करने का जिन्हें विचार आता है यीशु के नाम से, वो सारे विचारों को हम नष्ट करते खुदा प्रभु, तेरा राज्य इनके विचारों पर आए। प्रार्थना करते जब ये अपने बिछौने में सोएं तो मीठी और सुकून भरी नींद लेकर सोने पाए। इस समय जितने लोग बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, दर्द में हैं, पीड़ा में हैं, यीशु के नाम से हम कहते हैं हर प्रकार की बीमारी निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप ही हैं जो इस बीमारी से उन्हें छुड़ाएंगे परमेश्वर पिता। प्रभु आप ही हैं जो इन्हें चंगा करने वाले परमेश्वर है। इसी समय हम वो सारी बीमारियों को, सारे दर्द को, कोरोना वायरस को, हर एक इन्फेक्शन को यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर यीशु के नाम से। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक ये भाई, ये बहन, इनके बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग चंगे हो जाएं यीशु के नाम से, हर एक हड्डियों का रोग चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, धन्यवाद आपने इन्हें छुआ, क्योंकि आप इनकी ओर हैं इन्हें चंगा करने प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज शाम में जितने भाई बहनों ने कमेंट्स के द्वारा अपने रिक्वेस्ट को दिया, अपनी परेशानी को शेयर किया पिता, आप जानते हैं पिता इस समय आपने एक एक के निवेदनों को आप जानते हैं, एक एक के परेशानी को आप जानते हैं यीशु के नाम से। आप उनके जीवन में कार्य करें, आप उनकी ओर हैं, आप प्रभु उनके जीवन में कार्य करें पिता। धन्यवाद करते हैं आपने हम सब की विनती प्रार्थना को सुना। प्रार्थना करते हैं जिन भाई बहनों ने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने बीज को बोया है पिता, यीशु के नाम से वो 100 गुना फलवंत हो, उनके जीवनों में आप कार्य करें पिता, और प्रभु आप 100 गुना मल्टीप्लाई करके आप उन्हें फेर दे मेरे परमेश्वर, रिटर्न करे परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु वो आपके नाम की महिमा को कर सके मेरे प्रभु। धन्यवाद उनके खत्तों पर, उनकी कमाई पर आपकी आशीष और बरकत हो प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद हम सबके निवेदनों को सुनने के लिए, उसका उत्तर हां और आमीन में देने के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से। इस विनती को मांग लेते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।